हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आज हम एक नया टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कटन के बारे में और ये टॉपिक के बारे में बताने से पहले आपको एक बार मैं बताना चाहता हूँ मेरा चैनल का एक बार आप लोग सब्सक्राइब करिए सब लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाता है तो इसको थोड़ा सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त लोग को शेयर कीजिए ताकि ये चैनल आगे बढ़ते रहे और मेरे को कमेंट बॉक्स में जो जो बताना है बताइए मैं उसका आंसर देता रहूँगा ऑर्गेनिक कटन क्या होता है पहले देखिए ऑर्गेनिक कटन क्या होता है जो खेत में अपन जो कटन उगाते हैं ऑर्गेनिक कटन उसमें हम लोग क्या नेचुरल तरीक़े से करते हैं कोई भी उसमें कीटनाशक दवाई नहीं डालते कोई भी खाद नहीं डालते कोई भी केमिकल सिंथेटिक केमिकल नहीं डालते खाली गाय का गोबर और कंपोस्ट वगैरह डाल सकते और उसका विस्तार मैं आपको बताता हूँ देखिए सबसे पहले देखिए इंडिया का इंडिया जो है नंबर वन कंट्री ऑर्गेनिक कटन का प्रोडक्शन में वर्ल्ड का 56 परसेंट ऑर्गेनिक कर्टन अपना इंडिया प्रोड्यूस करता है 56 परसेंट उसमें से अपना देखिए 56 परसेंट जो है उसमें से एमपी अकेला 43 परसेंट प्रोड्यूस करता है और एमपी जो ऑर्गेनिक कर्टन देता है वो 80 परसेंट इंडिया का ऑर्गेनिक कर्टन एमपी से निकलता है और एमपी का अलावा अपना उड़ीसा का जो वेस्टर्न उड़ीसा एरिया है बलांगीर कालाहांडी उस साइड में भी अपन ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस करते हैं लेकिन कम होता है एमपी का हिसाब से तुलना से कम होता है ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूस जो है अपना जो ऑर्गेनिक कॉटन जितना भी बनता है वो नॉर्मल कॉटन का सिर्फ एक परसेंट है मतलब जितना अपना नॉर्मल कॉटन हिंदुस्तान में बनाते हैं उसका एक परसेंट सिर्फ ऑर्गेनिक बनता है वो एक परसेंट भी पूरा वर्ल्ड में भारी पड़ता है सबसे बड़ा कंट्री है ऑर्गेनिक कटन का और इसमें देखिए नो फर्टिलाइज़र नो पेस्टिसाइड नो सिंथेटिक केमिकल्स यूज ये चीज़ ध्यान रखिए ऑर्गेनिक कटन कोई अपन यूज़ करते उसमें कोई कोई भी खाद नहीं दिया जाएगा कोई भी कीटनाशक छिड़केंगे नहीं कोई भी सिंथेटिक केमिकल भी सिंथे, मतलब दवा जैसा डालेंगे नहीं ओनली कंपोस्ट और काउ डंग यूज ड्यूरिंग कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के टाइम पे खाली कंपोस्ट और गाय का गोबर वो देते हैं और ऑर्गेनिक कटन का अपन यूज़ कहाँ करते देखिए ऑर्गेनिक कटन जो होता है अपन क्या बिना केमिकल बिना खाद में बना है वो बहुत सॉफ्ट रहता है नाजुक रहता है उसमें कोई स्किन रिएक्शन नहीं होता जैसे ऑर्गेनिक कॉटन का कोई कपड़ा पहनता है उसका कोई स्किन डिजीज नहीं होता और उसके कारण से हम लोग क्या ऑर्गेनिक कॉटन जो बनाते हैं उसका धागा बढ़ाते कपड़ा बढ़ाते हैं ज़्यादातर अपन लेडीज़ अंडर गारमेंट और बच्चों का छोटे छोटे बच्चे का जिसका स्किन बहुत नाजुक होता है ऐसे लोग के लिए ऐसे बच्चों के लिए तैयार करते लेडीज़ गारमेंट और बच्चों का आ, कपड़ा और ज़्यादातर छोटे बच्चों का यूनिफॉर्म भी ऑर्गेनिक कटन में तैयार होता है और ये सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है इसका जो कास्ट होता है ऑर्गेनिक कटन का जो यान का कॉस्ट होता है डेढ़ दो गुना ज़्यादा होता है नॉर्मल कटन से तो इसको आम आदमी नहीं पहनता हम लोग का टाइम में हम जब ऑर्गेनिक कटन चलाते थे ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री में हम लोग एक्सपोर्ट कर देते थे वो लोग खरीद सकते थे इट प्रोड्यूसेस 46 सिक्स परसेंट लेस सीओ टू ड्यूरिंग कल्टिवेशन जब ऑर्गेनिक कटन का खेती करते हम लोग उसमें सबसे बड़ी बढ़िया चीज़ है छियालीस परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करता है मतलब एनवायरनमेंट पूरा क्लीन रखता है उसमें कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता उसमें कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू कम निकलता है हाँ नेक्स्ट पॉइंट है हम ऑर्गेनिक कटन के बारे में बता रहे थे सबसे बढ़िया चीज़ देखें ये जो ऑर्गेनिक कर्टन होता है इसको हम एक बार जैसे अपन खेत में ऑर्गेनिक कटन का खेती की है उसमें हम एक बार सिर्फ उसका पिकिंग करेंगे नॉर्मल कटन की तरह अपन तीन बार पिकिंग नहीं होता एक बार पिकिंग करते हैं एक बार वंस होता है पिकिंग और उसके बाद जो कटन का जो झाड़ है इसको अपन पूरा उखाड़ देते हैं रखते ही नहीं बट नॉर्मल कटन वी हैव टू टेकन थ्री पिक्स नॉर्मल कटन जब अपन बढ़ाते हैं उसमें आप तीन बार पिकिंग कर सकते हैं लेकिन इसमें एक ही बार होता है दूसरा चीज़ देखिए कंपेयर टू नॉर्मल कटन नॉर्मल कटन को अगर इसके साथ अपन तुलना करेंगे कट कर, अगर तुलना करेंगे तो इसका लेंथ स्ट्रेंथ ये दोनों चीज़ इसमें कम आएगा मतलब नॉर्मल कटन से ये दोनों चीज़ कम आएगा मतलब स्ट्रेंथ कम आएगा और इसका लेंथ कम आएगा लेकिन इसका जो स्ट्रेंथ लेंथ कम आने से भी अपना क्या होता है देखिए बट फीलिंग इज वेरी वेरी सॉफ्ट इसका जो कटन का जो फीलिंग होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है मतलब उसमें मुलायम जैसा रहता है ये हार्सनेस इसमें नहीं रहता ठीक है उसके बाद देखिए बिफोर स्टार्ट ऑर्गेनिक प्रोसेस पेस्ट और हैंग डिस्प्ले बोर्ड्स ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अपन ऑर्गेनिक कटन जब चालू करते हैं उससे पहले क्या करेंगे हर एरिया में मतलब मिक्सिंग में लेके मिक्सिंग मिक्सिंग रूम कार्डिंग ड्राइंग सिम्पलेस रिम फ्रेम ऑटो कलर पैकिंग तक भी हर जगह अपन बढ़िया बढ़िया प्रिंट छाप के कि ऑर्गेनिक कटन का प्रोसेस है इसका मटेरियल का ध्यान रखे और इसका वेस्ट का ध्यान रखे करके सब कुछ सूचित किया जाएगा कोई भी नॉर्मल कटन या नॉर्मल वेस्ट मिक्सअप ना हो यह हर जगह लगानी पड़ेगी आपको इन ऑल डिपार्टमेंट फॉर अवेयरनेस नो मिक्सअप विथ नॉर्मल कर्टन डिस्प्ले बोर्ड और क्यों लगाते ज़्यादातर वर्कर लोग को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए वर्कर लोग गलती कर सकते हैं तो इसीलिए उनको लिखित में लगाएंगे वो बार बार देखते रहेंगे उसको अपना फॉलो करेंगे कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे उसके बाद देखिए यूजबुलस्ट्स सॉफ्ट वेस्ट जो होता है कीप विथ प्रॉपर वेस्ट बक्स टू यूज इन मिक्सिंग जो यूजेबल वेस्ट है जैसे स्लाइबर है नेमापिल वेस्ट है अपना जो भी अपना वेस्ट रहता है वो सारी क्या करें इसको बढ़िया से जो वेस्ट का बक्स होता है बक्स में भी स्टिकर चिपका रहेगा कि ऑर्गेनिक कटन का वेस्ट इसमें रखें करके तो उसमें अपन अलग से रखेंगे ताकि इसको अपन दोबारा मिक्सी में यूज कर लेंगे और इसका जो क्या होता है अगर वेस्ट हम इसीलिए ज़्यादा प्रेशर देते आपको वेस्ट अगर नॉर्मल ऑर्गेनिक मिक्स होगा अपन जब प्रोसेस पर डाल देंगे इसको जब डाई होगा डाई पिकअप इसका अलग होता है ऑर्गेनिक कटन का जो डाई पिकअप है इसमें बिल्कुल अलग होता है और देखिए यहाँ बताया डाई पिकअप ऑल्सो डिफरेंट दैन नॉर्मल कटन तो डाई पिकअप अलग होने के कारण अपन इसका वेस्ट वगैरह कभी मिक्स होने नहीं देंगे तब सही रहेगा बेटर टू रन इन ए सेपरेट यूनिट जैसे अपना पास समझ लीजिए तीन चार यूनिट है ऑर्गेनिक कर्टन अपन बीच बीच में कहीं कहीं नहीं चला सकते एक सेपरेट यूनिट दे दें कि ये यूनिट पे पूरा पूरा ऑर्गेनिक चलेगा उसमें नॉर्मल जाने का कोई चांस नहीं है अगर किसी किसी मिल में बड़ा बड़ा यूनिट है अपन ऑर्गेनिक कर्टन पूरा यूनिट में नहीं चला सकते तो उस केस में हर स्टेज में अपन को पार्टीशन लगानी पड़ेगी ताकि फ्लाई उड़ के ना जाए और कहीं कहीं पर्दा बांधना पड़ेगा जाली वाला पर्दा बांधना पड़ेगा प्रिकॉशन के लिए ताकि मिक्सअप ना हो और फ्लाई उड़ के ना जाए नेक्स्ट पॉइंट है अब ऑर्गेनिक कटन के बारे में बता रहे हैं देखिए ऑर्गेनिक कटन मोस्टली हम दो प्रकार का यूज करते हैं कोम नया कैडेड और दोनों मटेरियल अपन जनरली होजरी पे ज़्यादा तक बनाते हैं होजरी बनाने से क्या होता है अंडर गारमेंट सब नीटिंग टाइप का मटेरियल आता है और वर्क पे बहुत कम जाता है अपन होजरी के बारे में बता देते हैं एक बार देखिए अगर अपन इसको डायड मिलांज में लिया समझ लीजिए डायड मिलान में ऑर्गेनिक कटन प्रोसेस किए तो मिलांज का जो अपन टॉपिक पढ़ाए थे उसमें जैसे मिक्सिंग का सिस्टम बताया था हंड्रेड किलो का लेयरिंग लगाना तेल पानी स्प्रे करना फिर लेयरिंग के बाद एक टपलिंग करना ब्लेंडर में फिर एक टपलिंग करना और डायड जो स्लाइबर अपन डाई हाउस से इशू करते इसको मिक्सिंग लगाने से पहले खोलना है ये सारी चीज़ इसको सिस्टम को अपना के फिर मिक्सिंग अपन बनाएंगे <coughs> मिक्सिंग मिलाच की प्रोसेस के हिसाब से फॉलो करें और देखिए सबसे पहले ब्लो रूम प्रोसेस आया इसमें हम पहले से आपको बता चुके हैं ये फाइबर बहुत नाजुक है स्ट्रेंथ कम है लेंथ कम है तो उसी हिसाब से आप देखिए सबसे पीछे वाला बीटर साढ़े सात सौ आगे का बीटर साढ़े छः सौ एनिमिक्स का साढ़े पाँच सौ से छः सौ आई होना चाहिए अपन नॉर्मल कटोन जो चलाते हैं ना बीटर स्प्री अपन साढ़े आठ सौ रखते आठ सौ रखते तो उस उतना नहीं चाहिए इसमें इसमें कम से कम रखें ताकि इसमें ऐसे ही कटन नाजुक है इसमें हार्स बीटिंग नहीं चाहिए उसके बाद देखिए कार्डिंग प्रोसेस है कार्डिंग में अपन साढ़े तीन सौ साठ से चार सौ पचास आर पी एम तक आज पर डेप्थ के हिसाब से लेते हैं अगर ज़्यादा डार्क सेड है तीन सौ साठ आर पी एम सिलेंडर स्पीड बहुत बढ़िया है और थोड़ा हल्का सेट रहेगा चार सौ साढ़े चार सौ तक जा सकते हो साढ़े चार सौ के ऊपर तो जाना ही नहीं कभी पाँच सौ साढ़े पाँच सौ ये सब लेना नहीं कभी और फ्लाट गेट देखिए पूरा क्लोज क्या हुआ आठ 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 दस दस थाउ का है और लिक्र स्पीड अपन आठ सौ से नौ सौ आर पी एम रखे लिक्र स्पीड भी ज़्यादा नहीं चाहिए इसमें अपन जनरली लिक्र स्पीड साढ़े दस सौ मतलब एक हज़ार पचास ग्यारह सौ तक रखते लेकिन इसमें बिल्कुल ज़्यादा नहीं चाहिए आठ सौ से नौ सौ तक रखिएगा उसके बाद डिलीवरी स्पीड एक सौ बीस एम पी एम मैंने इधर चेस किया मतलब अगर ग्रे बनता है अगर डार्ट बनाते मिलान बनाते तो वही सत्तर से नब्बे एम पी एम रखेंगे आज पर डेप्थ ज़्यादा डार्क साइड है तो सत्तर एम पी एम रखेंगे थोड़ा लाइटर साइड जाएंगे तो अस्सी फिर और लाइटर गया तो नब्बे एम पी एम तक रखेंगे उसके बाद आए फ्लैट स्पीड फ्लैट स्पीड अपन 300 से 320 तक रखेंगे इसमें नेप्स वगैरह बिल्कुल जाना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत कॉस्टली मटेरियल है लेफ्ट से अगर जाएगा तो फिर वो रिजेक्ट हो सकता है लेफ्ट से नहीं जाना चाहिए और कार्ड रैपिंग जो होता है आज पर नॉर्मल कटन जैसे अपन समझ लो तीस काउंट का अपन ऑर्गेनिक बना रहे हैं तो नॉर्मल तीस काउंट में जो रैपिंग रहता है जैसे पॉइंट वन थ्री ज़ीरो वही आप रख सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद देखो ड्रॉप एम आया ड्रॉप एम में ब्रेकर फिनिशर मैंने दोनों अलग अलग बना दिया बॉटम रोल गेज इसमें चालीस बयालीस रखेंगे ब्रेकर में ब्रेक वन पॉइंट सेवन वन डिलीवरी स्पीड टू फिफ्टी एम पी एम फिनिशर केस में देखिए थर्टी एट फोर्टी का हो गया बॉटम रोल गेज वन पॉइंट टू एट में ब्रेकड्राफ्ट वन पॉइंट वन सिक्स कोम में ड्राफ्ट और काड़े में साढ़े चार सौ एम पी एम कोम में तीन सौ एम पी एम ये सब अपन ये एक फंडा आप सोच लो इसमें अपन को ज़्यादा स्पीड किसी में दौड़ाना ही नहीं है इसमें कम से कम स्पीड रखेंगे तो बराबर क्वालिटी निकलेगा कोई दिक्कत नहीं जाएगा नेक्स्ट uh, पॉइंट देखिए अपन ऑर्गेनिक कटन के बारे में बता रहे हैं जैसे अपना सिम्पलेस का बटन रल अपन फोर्टी सिक्स सिक्सटी फाइव रख लेंगे बहुत बढ़िया है और ब्रैकड्राफ्ट वन पॉइंट वन टू के लिए वन पॉइंट जीरो सेवन हो गया कोम्ड के लिए तो उसके बाद देखिए फ्लायर स्पीड अपन सेवन फिफ्टी से एट फिफ्टी आर पी एम तक रखें इसमें अपन हज़ार ग्यारह सौ बारह सौ चलन जरूरत नहीं कम से कम रखो टी एम वन पॉइंट थ्री फाइव से वन पॉइंट फोर जीरो हो गया ये कार्डेड का अगर कोम्ड होता है कोम्ड में हो जाएगा आपकी वन पॉइंट टू फाइव से वन पॉइंट थ्री जीरो तक सिंपलस में रैपिंग आज पर नॉर्मल कटन जैसे अपन नॉर्मल कटन बनाते हैं जैसे तीस काउंट चलाते हैं नॉर्मल कटन ऐसे ही इस पर भी वन पॉइंट वन जीरो वन पॉइंट टू जीरो ऐसे ही तीस काउंट के हिसाब से अगर चलाते हैं तो ऐसे ही रहेगा और रैपिंग में कोई ज़्यादा फेरबदर नहीं रहता और सेग्रीगेशन ऑफ बॉबिन अगर आपके पास बॉबिन कलर स्पेयर है ऑर्गेनिक कटर में कोशिश करिए अलग कलर का बॉबिन डालने उसमें अलग कलर का डालेंगे ना कभी मिक्सअप होता है कुछ होता है तो पकड़ में आता है तो ज़्यादा अपन प्रॉब्लम में नहीं फंसते और ड्रॉप जोन क्लीनिंग इन एवरी फोर आवर्स सिंपलेस में ड्राफ्टिंग जोन का सफाई बहुत जरूरी है आपको बार बार बोला वो फाइबर बहुत तो नाजुक है वैसे फ्लाई जेनरेशन होता है तो वो ड्राफ्ट जोन का जितना बढ़िया सफाई रखेंगे उसी हिसाब से कट्स वगैरह कम आएगा बढ़िया चलेगा उसके बाद देखिए रिम फ्रेम में आगे बटम रोल गेज नॉर्मल जैसे साढ़े बयालीस सत्तर का रख लो और ब्रेक ड्राफ्ट वन पॉइंट वन थ्री अपन रख दिए और वो ये रिकाउंट जैसे बना रहे हैं ना कार्डन में देखो थ्री पॉइंट एट से थ्री पॉइंट नाइन तक रखिए कोम्ब में थ्री पॉइंट फाइव से थ्री पॉइंट सेवन पार्टी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखिए अगर फिर भी सी तो इसमें कम आएगा जैसे आपकी नॉर्मल कटर में आपकी 2000 शेष पे पी आ रहा है वजीर में तो इसमें उन्नीस सौ आएगा साढ़े अठारह सौ आएगा अठारह सौ आएगा सौ दो सौ कम आएगा उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है और स्पिंडल स्पीड देखिए सबसे बढ़िया चीज़ है स्पिंडल स्पीड अपन इसमें पाँच से दस परसेंट तक मार्जिन रहता है कोई भी ऑर्गेनिक कटन चलाता है मैनेजमेंट बोलता है इसका क्वालिटी बढ़िया बननी चाहिए स्ट्रेंथ कम है लेंथ कम है पाँच से दस परसेंट का स्पीड का छूट मिलता है मतलब जो स्टैंडर्ड बनाते हैं नॉर्मल कटन से पाँच से दस परसेंट तक किसी कंपनी पाँच परसेंट देता है किसी कंपनी दस परसेंट देता है लेकिन कम चलाने की टारगेट देता है उसके बाद देखिए सी के बारे में बता दिया सी नेचुरली कम आएगा सौ दो कम आ जाएगा और ऑटोकोन में आप स्पीड जितना नॉर्मल में चलाते तो हैं उससे सौ कम चला लीजिए और गेज जैसे अपन नॉर्मल कटन में लगाते हैं गेज ऑटोक्रोन का उसी हिसाब से रखिए और ऑर्गेनिक कटन जहाँ पैकिंग होगा बराबर उसमें हर कोन में, में लेबल लगे बराबर और वो पैकिंग बोरे में भी लिखा जाए ऑर्गेनिक कर्टन करके पूरा व्यवस्थित करके पैकिंग करके मार्केट में भेजा जाए ये ऑर्गेनिक कटन का मेरे को विश्वास है आप लोग को जितना मैंने बताया पूरा समझ में आएगा आपको और मैं आपको एक बार बोलता हूँ कि मेरा चैनल एक बार आप लोग सब्सक्राइब करिए शेयर कीजिए और आपको जो भी दिक्कत है कुछ भी समझ में परेशानी है कमेंट बॉक्स में जाके इसको मेरे को मैसेज दीजिए मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूँ और दे भी दूँगा और ये वीडियो यहीं पर समाप्ति करता हूँ थैंक यू